हेलो एवरीवन, इस पूरी सीरीज के अंदर हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे ऑन डिजिटल लॉजिक। और डिजिटल लॉजिक के अंदर जितने भी सिलेबस है, पूरा जो स्टार्टिंग से एंड तक हम पूरा टॉपिक जो है सब कवर करेंगे, और उसके साथ साथ हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी यहाँ पर कवर करेंगे। तो आई होप जो क्लासेज है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो आई थिंक यू नो माई नेम, माई नेम इज़ हिमांशु कौशिक, और मुझे गेट की फील्ड में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए बहुत टाइम हो चुका है। मैं इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस के साथ ऑलरेडी काम कर चुका हूँ, और सब पहली बार मैंने गेट एग्ज़ाम क्लियर किया था, दैट वॉज इन 2011-12। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि इसी फील्ड में मुझे लगभग 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है। तो ऑब्वियसली हमारा जो एक्सपीरियंस है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, तो इसी वजह से आप जो हमारी क्लासेस है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मेरा कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं ऑन अन अकेडमी, तो अन अकेडमी पर मेरे पास दो तरह के कोर्सेज जो होते हैं। पहला जो है दैट इज़ कॉल्ड प्लस कोर्स, एंड सेकेंड इज़ आइकॉनिक कोर्स। तो प्लस कोर्स में स्पेशल ये है कि यहाँ पर इंडिया के बेस्ट टीचर्स यहाँ पर होते हैं, और साथ साथ में जो मेरी क्लासेस होती है काफ़ी इंट्रैक्टिव होती है, यानी कि आप और मैं क्लासेस के बीच में इंट्रैक्टिव या डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं। और साथ साथ में जब आप आइकॉनिक कोर्स में जाएंगे तो आइकॉनिक में स्पेशल है, स्पेशल ये है कि एक मेंटर आपके साथ हमेशा साथ रहेगा। तो मेंटर जब भी आपको कोई भी डाउट रहेगा, आपको कोई भी नोट्स की ज़रूरत होगी या फिर आपको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत होगी, तो मेंटर हमेशा आपको सपोर्ट करेगा इन एनी वे। तो अगर मेरा कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं विद अन अकेडमी, चाहे आप प्लस ले या फिर आइकॉनिक ले, मेरा कोई भी कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं, जस्ट यूज़ अ कूपन कोड विच इज़ कौशिक 10, क्योंकि कौशिक 10 में आपको टोटल 10% ऑफ हमको मिल जाएगा। जस्ट यूज दिस एंड होप यू लाइक दिस। पूरी सीरीज जो है आपको बहुत अच्छी लगेगी, एंड थैंक यू सो मच। And this is supposed to be comparatively easier session because here we will be looking at some of the previous year questions related to multiplexers. So this is the very first question. They are saying the output F of the below multiplexer circuit can be represented by what will be the output of this circuit. So as you can see here, we have the input is A and second input is B. So here we have to pass the following values, which is 0, 0, 0, 1, 10 and 11. ठीक है, सो इफ यू टेक गिव 0 0, दैट मीन्स आई इफ आई हैव ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, देन आई विल गेट द आउटपुट एज सी। इफ आई गेट 0 1, दैट मीन्स इफ आई हैव बी कॉम्प्लीमेंट ए, इन दैट केस आई विल गेट द आउटपुट एज सी कॉम्प्लीमेंट। प्लस इफ आई हैव 1 0, दैट मीन्स इफ आई हैव बी एंड ए कॉम्प्लीमेंट, in that case we are going to get the output as C complement. Plus if I have 1 1, that means in that case if I have AB, then I will get the output as C. So this is your equation. As you can see, this equation is not matching with any one of these options, so that means we may have to try and minimize this equation. So let us rearrange all the variables. So we have A complement B complement C, plus A B complement C complement, plus A complement B C complement, plus A, B and C. These are the variables which are available. Okay, now I can try and take any two terms here, but you can see this is very interesting because maybe you will not be able to take something in common. So what I can do is I can try A complement, I try and taking A complement as common from here. So this is going to be B complement C plus B C complement. Plus I can try and take A as common from here, so it will be B complement C complement plus BC. So if you look at this term is basically a complement of exclusive OR. So I can write A complement B complement C plus BC complement plus A dot, this is B exclusive OR C whole complementation. Therefore you can see this is A complement B exclusive OR C plus A B exclusive or C whole complement, so which is again equal to A XOR B XOR C. So this entire situation, this entire equation is equivalent to option number B only, because we are taking XOR of all three of these variables. Hum tino variables ka yahan par XOR le rahe hain. It is a very easy question, as you can see, comparatively easier to anyone else. Okay, so second is show with the help of block diagram how the boolean function AB plus BC plus CA can be realized using a 4 cross 1 multiplexer. We have a 4 cross 1 multiplexer, but if you look at this function, so you will say, sir, this function here
it is having three variables. So that means the number of input in the multiplexer should be 8. So it can be realized using 8 cross 3 multiplexer. But obviously, yes, we can also realize it using 4 cross 1 multiplexer by using variable entrant. Aap variable entrant ko use karke, you can realize the same circuit using a 4 cross 1 multiplexer. So how can we do it? Let us try and see this example. Okay. So here in this case, when you are looking at this given example, there are two ways. Either you can take this function and you can try and make the truth table with this. You can try and make the truth table with it. Or second way is you can try and find out a shortcut method to implement this. I'll explain both of them. Okay. So let me explain you the shortcut method first, and then I'll explain the total proper method so that you will be able to follow through the example. So this function says that we have AB plus BC plus CA. This is the following function. Now this function can also be written as AB plus A complement BC plus AB complement C. The same function can also be written in this manner. So if the same function can also be written in this manner, in that case, what I can do is I can simply use a 4 cross 1 multiplexer. This is a 4 cross 1 multiplexer which is having 4 inputs, and this is having A, and this is having B, and this is your output, right? So our output is AB plus A complement BC plus AB complement C. What do I mean to say by this is that if we have AB, so that means in that case, if both inputs are 1 1, in that case I'm giving the output as 1. If I have A complement B, A complement means if I have 0 1, in that case the output is C. If I have AB complement, that means if the input is 1 0, in that case the output is C. And if I have A complement B complement, then in that case the output will be 0. So here I can say the output is 0. So in this way, in a shortcut manner, you can easily implement this function. But let me explain you how I came to this solution. So that is a complete solution with the help of a truth table. So this is the variable A, this is B, this is C, and the possible combination here, they are 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1. This is your function. Now in this function we have AB plus BC plus CA. That means wherever we have a variable A and B as 1, in that case I'm going to get a value as 1, right? So here we have a variable AB as 1, so in both these two cases we are having a value 1. Wherever we have B and C, so as 1, so B is 1 as well as C is 1 here, so this is going to be 1, as well as you can see here also B and C are 1, therefore this is also going to get a value 1. And third one is CA, so wherever a value of C and A are 1, so you can see C and A are 1, as well as here also C and A are 1. So this is how you are going to make a truth table for this. So I got the truth table. So using this truth table, I'm going to create a variable entrant. So in that case, I'm going to use variable A, I'm going to use variable B, and this is the function F. So the combinations are 0, 0, 0, 1, 1, 0, and 1, 1. Now you can see here that in these combinations, when AB are both 0, in that case, function F is giving a value 0. When AB are 0, 1, the function F is giving a value which is equal to C. When the AB are 1, 0, in that case, the function F is giving a value which is equal to C. And when AB are 1, 1, in that case, the function F is behaving like 1. So you can clearly see how can I easily implement it. So it doesn't matter if you know the shortcut or not, you can still do the same question with the help of this proper method. It will not take you a lot of time.
ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट दिस विल बी अ बेटर मेथड, यू विल नॉट बी मेकिंग एनी मिस्टेक्स विद इट. आप इस मेथड से मिस्टेक्स को क्रिएट नहीं करेंगे, यू विल नॉट बी मेकिंग एनी मिस्टेक. बट समटाइम्स वैन यू आर यूजिंग अ शॉर्टकट मेथड, इन दैट केस देर इज अ हाई चांसेस दैट यू आर गोइंग टू मेक मिस्टेक्स इन द एग्जामिनेशन. बट विद अ प्रॉपर मेथड, लॉन्ग कट मेथड, यू विल नेवर बी मेकिंग एनी काइंड ऑफ मिस्टेक्स. देखो, इन योर एग्जामिनेशन, इवन इफ यू आर गिविंग अ गेट एग्जामिनेशन और इवन इफ यू आर गिविंग अ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, इन एनी ऑफ दीज एग्जामिनेशंस यू आर नेवर गोइंग टू हैव short of time. I mean, in UGC NET might be having a short of time, but in GATE you'll never be having a short of time. Let me explain you this thing if we are already in this topic. Dekho, in GATE you get approximately 65 questions. Out of these 65 questions, you will be having 10 questions which are from aptitude and reasoning, and you will be having approximately 55 questions which are from technical section. Out of these 55 questions, you will be having 25 questions which are of 1 marks, and you will be having approximately 30 questions which are of 2 marks. And you have a total time of roughly 3 hours. 3 hours means which is equal to 180 minutes. Okay? In 10 aptitude questions, you have 5 questions which are of 1 marks, and you have 5 questions which are of 2 marks. This is how the exam distribution is. Now, in this exam distribution, you will find that solving these 1 marks question is very, very easy. It is hardly going to take 2 to maximum 3 minutes to solve these 1 marks question on an average. On an average. Here also, you are going to take 2 to 3 minutes on an average to solve these 1 marks question. So, if I am taking 2 to 3 minutes, let us suppose even if you are taking on an average 3 minutes to solve these questions, that means you are going to take approximately 75 minutes to solve this these questions, right? And you, if you are going to solve these 32 marks question, so how much time will be remaining? So approx you will be having 2 hours, right? So because here again it is going to take 10 minutes here, so roughly you are going to take 60 minutes to approximately 90 minutes इन जस्ट सॉल्विंग 1 मार्क्स क्वेश्चन. आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन में 60 से लेकर 90 मिनट्स लेंगे. देयरफॉर योर 2 मार्क्स क्वेश्चन, जो आपके पास 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, दैट विल सपोज टू टेक अप्रॉक्सीमेटली 120 मिनट्स टू अगेन 90 मिनट्स. बट इट इज़ बेटर इफ़ यू कैन सॉल्व 1 मार्क्स क्वेश्चन विद इन 60 मिनट्स, इट कैन बी इजिली डन. अगर आप 2 मार्क्स क्वेश्चन को 60 मिनट्स में कर सकते हैं, आई मीन 1 मार्क्स क्वेश्चन को 60 मिनट्स में कर सकते हैं, इन दैट केस योर 2 मार्क्स क्वेश्चन विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 120 मिनट्स, एंड 120 मिनट्स विल मीन्स यू विल बी हैविंग अ टोटल टाइम ऑफ अप्रॉक्स 4 to 5 मिनट्स, राइट? सो अप्रॉक्स 3 to 4 मिनट्स टू सॉल्व द 2 मार्क्स क्वेश्चन, राइट? प्लस देर विल सम क्वेश्चन विच कैन बी सॉल्व विद इन 1 or 2 मिनट्स. कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ज़्यादा टाइम लेंगे, बट अगेन ऑन एन एवरेज यू विल गेट लॉट ऑफ टाइम इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. बहुत टाइम मिलेगा आपको, एंड यू कैन सी यू विल नॉट नेवर बी अ शॉर्ट ऑफ टाइम. आई मीन टाइम शॉर्टेज कभी भी नहीं होगी. बट इन यू जी सी नेट यू विल माइट बी हैविंग अ शॉर्ट ऑफ टाइम वेन यू आर गिविंग अ यू जी सी नेट एग्जामिनेशन. इन दैट केस यू आर गोइंग टू हैव टोटल ऑफ 100 क्वेश्चन एंड यू आर हैविंग अप्रॉक्सीमेटली 100 questions and you are having approximately 2 hours, which is equal to 120 minutes. So UGC NET examination is more about speed. यहाँ पर negative marking नहीं है, we do not have a negative marking. It is about speed, and your GATE examination is about quality. So the kind of questions in GATE are very quality questions, which are very, very good questions, and because they are supposed to think that you are going to have enough time. So GATE examination is more like CAT, right? So where you are always going to get a quality questions as well as you are going to get enough time to solve these questions. But UGC NET examination is more about your MAT, right? So which they used to take for MBA in local colleges. So here the kind of questions are comparatively easy as compared to GATE, plus the time is going to be less. So here approximately you will get 1.2 minutes to solve a question, or even if you are solving like 60 questions out of 100, so you will take approximately 2 minutes per question. So that means the rest of the 40 questions you are going to guess the answer, right? So guessing will also be there. Guessing also plays an important role in UGC NET. So if you can solve 60 questions correctly, then rest 40 questions you can start guessing, and still you will be able to qualify the examination, right?
So you can see UGC NET is more about speed and GATE is more about quality. So if you are preparing for UGC NET, it is better that you should solve each and every questions many times. So if I am giving you this multiplexer questions, तो जो multiplexer के questions है, you have to solve these kind of PPTs and the questions in approximately 6 to 7 times before the examination, because that will help you to create the speed. उससे आपको एक speed मिलेगी, right? It will help you to have a speed. So if you can have a speed, maybe you will be able to solve more number of questions in less amount of time. So दोनों question examinations में there's a difference. There's a fundamental difference here. So UGC NET supposed to be little difficult as compared to GATE, but again UGC NET is for assistant professors. So assistant professors are supposed to solve these questions very easily. For example, when I make my videos, I make my solution videos, you must have seen that I make my solution videos very fast, because it doesn't take me a lot of time to solve these questions. Hardly I spend 1 or 2 minutes to solve the questions as well as to explain, right? It doesn't take me a lot of time to explain and solve these questions because of practice, right? That is why I take so much time. So if you can really practice, if you can really spend some time in practice, if you can really understand these topics, you will not take a lot of time. But again, as because you are studying the topic for the very first time, you can take some time and, you know, spend some time in the questions. Okay, so let us take the next all tips, other tips at some other time. Baki tips, some tips hum kabhi aur dekhenge. So let us try and solve this given question. Okay, so what they are asking is, consider the circuit F. I think have I solved this question. This is the question from GATE 1996. Let me check if I have solved this question. This question I have solved. This question also I have solved. Okay, let me check. I have solved this one. I have solved this one. I have not solved this. So this is a GATE 1996 question. Okay, so let us do this question here. So in this question, you can see we have a following multiplexer is given. Now in this multiplexer, the inputs are C, C complement, C complement and C, and they are giving the select lines. We have select line 1 and select line 2. So they're asking what the function F is implementing. So there's one mistake here. The mistake is that they have not given what is A and what is B. So they should have given that if select line 1 is A or if select line 2 is B and so on, these things should have been given. So anyways, if it is, let us assume that select line 1 is representing A and select line 0 is representing B. In that case, if I have A complement B complement, then I will select C. If I have A complement B, then I will select C complement. If I have A B complement, then I will select again C complement. Plus if I have A B, then I will select C. So in this case, again, you can easily figure it out, this solution. From here you can take A complement as common, so this is B complement C plus BC complement, and from here you can take again A as common, so this is B complement C complement plus BC, and you can again easily figure out this is representing an XOR gate because we have already solved it. So this is B, this one is B XOR C, this is B XOR C plus this is B XOR C whole complementation, which is equal to A XOR B XOR C. The correct answer is option number C. It is so easy, such an easy question. In the examination, you will never face any difficulty. Okay, next, a multiplexer with a 4-bit data select input. So that means in your multiplexer, you are having a select line which is of 4-bit, right? 1, 2, 3, 4. So you have a 4-bit data select line. Then how many inputs will be there? I always told you, if a number of select lines are n, then number of inputs are 2 raised to power n. So here the number of select lines are 4, therefore the number of inputs are 2 raised to power 4, which is equal to 16. So it will be a 16x1 multiplexer. The correct answer is option number C. Very, very easy question. Next, consider the circuit below, shown below. Now the output of 2x1 multiplexer is given by the function AC complement plus BC. So the output is AC complement plus BC. Okay, this is AC complement plus BC. Now they are asking which of the following is true. Okay, so this
जी, वट विल बी दिस वैल्यू ऑफ जी? सो द वैल्यू ऑफ जी विल बी एक्स वन कॉम्प्लीमेंट डॉट जीरो प्लस, लेट मी ऑल्सो राइट इट क्लियरली, दिस इज ए सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. सो दिस जी इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग एक्स वन कॉम्प्लीमेंट डॉट जीरो प्लस एक्स वन डॉट वन, विच इज इक्वल टू रिप्रेजेंटिंग एक्स वन. तो जो जी है, सो जी इज रिप्रेजेंटिंग एक्स वन ओनली. ठीक है, सो दिस इज जी इज रिप्रेजेंटिंग एक्स वन. सो एक्स वन कॉम्प्लीमेंट डॉट जीरो प्लस एक्स वन डॉट वन, ठीक है, सो विच इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू एक्स वन. तो जी से जो है हम एक्स वन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. फाइन, सो वी आर रिप्रेजेंटिंग एक्स वन हियर. सो दैट मीन्स हियर आई हैव टेकन एक्स वन एज इनपुट एंड हियर इज इट रियली एक्स वन? जस्ट चेक, जी इज रिप्रेजेंटिंग एक्स वन. So is there any mistakes here in the question? Oh, so there's a mistake in the diagram actually. So there was a mistake here in the diagram. I've seen this question again. So there's a mistake in the diagram. So what the mistake is, this value is actually 1 and this value is 0. That is why I was thinking that there's something wrong with the question. So in this question, this value is 1 and this value is 0, right? So if you see, what is the equation for g? So g will be x1 complement dot 0 plus x1, so x1 complement dot 1 plus x1 dot 0. This value is equal to 0, therefore g is equal to x1 complement. This will be the value of g. So here in a I have given x1 complement and here in b I am just giving x1, right? Therefore the equation f for the function is going to be what is this equation? Equation is going to be that is x2 complement dot x1 complement plus x2 dot x1, so which is representing your x1 xnor x2. So the correct answer for this given question is option number C. Option number C should be the correct answer for this given problem. Okay, so what they are asking, what does this equation mean? That one of this input is C, one of this will be called as A, one of this will be called as B. So that means whatever the output these will be giving, whatever the output G or F will be giving, that output can be written as AC complement plus BC. So they have given this output. Now they have also given what is the inputs here, what is the input that they have given. Now according to that you have to find the value of the function F. So F will be X1 XNOR x2. Very easy question. The only thing here is that in this question this is a mistake here and this is also a mistake, so this value should be 10. Then the correct answer is option number C. Next question here: consider a multiplexer with x and y as data inputs. So aapke paas x aur y jo hai wo data input hai and z as the control input. So z is equal to 0, select x, z is equal to 1, select y. What is the connection required to realize two variable boolean function f is equal to t plus r without using any additional hardware? So what are they saying? That this is your multiplexer, this is a 2 cross 1 multiplexer. In this 2 cross 1 multiplexer you have control input as z, and here if I say z is equal to 0, in that case you have an input x. If I say z is equal to 1, in that case we have in this input y. Okay, and this is your output. Now they are saying that this output function f is actually representing t plus r. You have t plus r in this output function f. Now they are asking what should be these inputs of x and y. So x or y ke jo input hai wo kya hone chahiye so that we can get t plus r. Okay, so let us check the option number A. So we'll check option number A. They are saying R to X. So in this variable X I'm going to give R, 1 to Y, so here I'm going to give 1, and T to Z, here I'm going to give T. So in that case what is the equation? Equation will become T complement dot R plus
टी डॉट वन विच इज़ इक्वल टू टी कॉम्प्लीमेंट डॉट आर प्लस टी विच इज़ डिस्ट्रीब्यूट टी कॉम्प्लीमेंट प्लस टी डॉट आर प्लस टी एंड दिस रिप्रेजेंटिंग अ वैल्यू वन therefore this will be t plus r. So you can see option number 1 is correct. Now let us assume that option number 1 was wrong. In that case you have to insert this value of option number 2. So option number 2 was saying that in t you have to pass the value x, in r you have to pass the value y, it means that in place of x I'm going to pass t, this is option number 2. Right, in place of y I'm going to pass r, in place of z I'm going to pass t. Again by passing these values you can compare the options, but anyways we found the option, the first option itself was correct. So correct answer is option number a for this problem. Theek hai, clear hai sabko. The next question here is they are giving a circuit here. So they are saying the circuit shown below implements a two input NOR gate using a 2 to 4 multiplexer. Control signal 1 selects the upper input. What are the values of the x, y and z? तो x, y और z की values यहाँ पर क्या होंगी? तो यहाँ पर क्या है? So this is very important. They are saying control signal 1 selects the upper input. अगर आपके पास control signal की value 1 है, in that case your upper input will be selected. So that is why they have given 1, 0. इसी वजह से यहाँ पर इन्होंने 1, 0 दिया है. So if you look at these options, so this is will be a z प्लस बी जेड कॉम्प्लीमेंट. यहाँ पर ए जेड और बी जेड कॉम्प्लीमेंट है. दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू गेट. इन द सेम वे इफ यू लुक एट द इक्वेशन फॉर दिस आउटपुट, सो इक्वेशन फॉर दिस आउटपुट विल बी ए जेड प्लस बी जेड कॉम्प्लीमेंट शुड सेलेक्ट द आउटपुट एक्स प्लस इफ आई हैव ए जेड प्लस बी जेड कॉम्प्लीमेंट शुड सेलेक्ट द आउटपुट एज वाई. तो उस केस में हमारा आउटपुट वाई सेलेक्ट होना चाहिए. ठीक है, इतना क्लियर है सो फार. सो इफ यू रिप्रेजेंट दैट द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट फंक्शन रिप्रेजेंटेड बाय एफ, अगर फर्स्ट फंक्शन का आउटपुट एफ से रिप्रेजेंटेड है तो इसका मतलब है दिस आउटपुट कैन ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एफ डॉट एक्स प्लस एफ कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई. तो जो आउटपुट है एफ डॉट एक्स प्लस एफ कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई के इक्वल होना चाहिए. ठीक है, बट दिस इज व्हाट द आउटपुट शुड बी. ठीक है, नाउ व्हाट वी आर गेटिंग हियर, हमें जो आउटपुट मिल रहा है दैट इज ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंटेशन. हियर द आउटपुट इज ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंटेशन. सो टेक दिस इक्वेशन, द इक्वेशन इज ए जेड प्लस बी जेड कॉम्प्लीमेंट एक्स प्लस ए जेड प्लस बी जेड कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट वाई. दिस इज व्हाट इज गिवन. सो इफ आई नीड ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंटेशन, अगर हमें a प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंटेशन चाहिए, इन दैट केस लेट अस अज्यूम दैट इफ आई टेक x एज 0, अगर मैं x की वैल्यू को 0 लूँगा, इफ x इज इक्वल टू 0, इन दैट केस दिस इक्वेशन विल बिकम, दिस एंटायर इक्वेशन विल बिकम 0. सो आई विल गेट ए जेड प्लस बी जेड कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट डॉट y, राइट. सो किस केस में, इफ x इज इक्वल टू 0, अगर x की वैल्यू 0 है तो आपके पास ये जो है इक्वेशन इसके इक्वल हो जाएगी. ठीक है, इतना क्लियर है सबको. नाउ लेट अस अज्यूम दैट इफ आई टेक y इज इक्वल टू 0, इफ सो y इज इक्वल टू 1, आई हैव टेकन x एज 0, इफ आई टेक y इज इक्वल टू 1, इन दैट केस दिस इक्वेशन विल बी ए जेड प्लस बी जेड कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंटेशन डॉट 1. सो y इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. सो आई फाउंड दैट वैल्यू ऑफ x शुड बी 0 एंड द वैल्यू ऑफ y शुड बी 1. नाउ इन दिस इक्वेशन द इक्वेशन फाइनली वी गॉट इज ए जेड प्लस बी जेड कॉम्प्लीमेंट, एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन आई वॉन्ट टू गेट द आंसर विच इज ए प्लस बी. तो हमें जो आउटपुट चाहिए, सो द आउटपुट दैट वी वॉन्ट इज ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंटेशन. सो इफ आई वॉन्ट ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंटेशन, वट शुड बी द वैल्यू ऑफ दिस जेड, दिस इज अ ट्रिकी पार्ट. इस जेड की वैल्यू क्या होना चाहिए कि हमें ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंटेशन मिले. सो वट यू कैन डू इज लेट जेड शुड बी इक्वल टू ए. अगर जेड की वैल्यू ए है, इन दैट केस वट विल हैपन, दिस इज ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी होल कॉम्प्लीमेंट. इफ यू अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सो दिस इज ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंटेशन, एंड दिस टर्म इज इक्वल टू 1, सो दिस एंटायर फंक्शन विल बी इक्वल टू ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंटेशन. ओके, सो दैट मीन्स
दैट मीन्स इन दैट केस दैट मीन्स दैट योर वैल्यू ऑफ एक्स जो है आपकी, द वैल्यू ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, द वैल्यू ऑफ वाई शुड बी इक्वल टू वन. एक्स की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए, वाई की वैल्यू होनी चाहिए आपके पास वन, एंड द वैल्यू ऑफ जेड शुड बी इक्वल टू ए. नाउ देयर आर टू वेज ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके थे. देयर आर टू वेज. सो द फर्स्ट वे दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जो फर्स्ट वे है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. तो व्हाट इज़ द सेकंड वे? सेकंड वे इज़ यू कैन गो टू द आउटपुट डायरेक्टली. तो फर्स्ट आउटपुट इज सेइंग कि आपके पास एक्स की वैल्यू वन है, वाई की वैल्यू ज़ीरो है और जेड की वैल्यू बी है. सो बाय टेकिंग दीज वैल्यूज चेक आउट व्हाट इज़ द आउटपुट. इस केस में हमारे पास आउटपुट क्या आता है? सेकेंड इज़ द सेकेंड ऑप्शन इज़ एक्स की वैल्यू वन है, वाई की ज़ीरो है और ए की जेड की ए है. सो गिव दिस आउटपुट इनपुट एंड चेक करो इज द आउटपुट इज मैचिंग विद दिस. अदरवाइज गिव दिस इनपुट विच इज़ जीरो वन एंड बी एंड देन चेक द आउटपुट इज मैचिंग विद दैट ऑल्सो. ठीक है, तो आपको करना ये है. सो वट यू कैन डू इज यू कैन डायरेक्टली गो विद द ऑप्शन. आप ऑप्शन को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं. यू कैन इंसर्ट द वैल्यूज ऑफ द ऑप्शन एंड देन यू कैन गेट द आंसर. आप ऑप्शन की वैल्यू को इंसर्ट करेंगे अगेन, उससे भी आपके पास आंसर आ जाएगा. इज इट क्लियर सो फार? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोज ओनली वन मल्टीप्लेक्सर एंड वन इन्वर्टर आर अलाउड टू यूज टू इम्प्लीमेंट allowed to be used to implement any boolean function. आपके पास सिर्फ एक मल्टीप्लेक्सर है और एक इन्वर्टर है. इन्वर्टर मीन्स इट इज़ अ नॉट गेट. आपके पास एक नॉट गेट है टू इम्प्लीमेंट एनी बुलियन फंक्शन ऑफ एन वेरिएबल्स. वट इज़ अ मिनिमम साइज ऑफ द मल्टीप्लेक्सर नीडेड? उस केस में आपके पास जो मल्टीप्लेक्सर है उसका साइज कितना होना चाहिए एट मिनिमम? ठीक है, सो वट शुड बी द मिनिमम साइज ऑफ द मल्टीप्लेक्सर? देखो, इफ यू हैव अ नॉट गेट, अगर आपके पास एक नॉट गेट अवेलेबल है, सो इफ़ यू हैव अ नॉट गेट और कैन से वन इन्वर्टर, इन दैट केस वी कैन क्रिएट अ वेरिएबल एंट्रेंट. तो उस केस में हमें वेरिएबल एंट्रेंट की रिक्वायरमेंट है. इफ़ दिस नॉट गेट इज़ नॉट अवेलेबल, अगर ये नॉट गेट अवेलेबल नहीं होगा, देन वी नीड टू क्रॉस वन मल्टीप्लेक्सर. नाउ बिकॉज दिस इन्वर्टर और दिस नॉट गेट इज़ अवेलेबल, इफ दिस नॉट गेट इज़ अवेलेबल, देन वी विल बी नीडिंग टू रेस्ट पावर एन माइनस वन क्रॉस वन मल्टीप्लेक्सर. उस केस में हमें टू रेस पावर एन माइनस वन क्रॉस वन मल्टीप्लेक्सर की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, क्लियर सो फार? फाइन. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम शुड बी ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा. राइट, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. ओके, सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. यू आर आस्किंग हाउ वी कैन डू इट. सो आई विल टेक इजी एग्जांपल एंड देन मे बी आई विल एक्सप्लेन यू. थोड़ा सा मैं इजी एग्जांपल लूंगा और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. फाइन. सो लेट अस अज्यूम दैट वी हैव द फॉलोइंग फंक्शन विच इज़ ए बी सी. आपका फंक्शन ए बी सी है, दिस इज़ अ फंक्शन. सो द कॉम्बिनेशन आर 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0. And 1 1 1. Assuming this is your function, ठीक है. Now in this case, let us give some random values to this function. आप इनको कुछ भी random values कर सकते हैं. Let us give some random value to this function. कुछ भी random value. You can give any value whatsoever. So let us take the values as 0 1 0 1 0 1 and we have 1 0. This is some random values. Okay, I've taken these values randomly. Randomly, ठीक है. So फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू क्रिएट अ वेरिएबल एंट्रेंट फॉर दिस. इसके लिए सबसे पहले हम वेरिएबल एंट्रेंट बनाएंगे. दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज योर फंक्शन एफ. सो व्हेन ए बी बोथ आर जीरो इन दिस फंक्शन एफ इज बिहेविंग लाइक सी ओनली. व्हेन ए एंड बी बोथ आर 0 1 देन फंक्शन एफ इज बिहेविंग लाइक सी. व्हेन ए एंड बी बोथ आर 1 0 द फंक्शन एफ इज बिहेविंग लाइक अगेन सी. व्हेन ए एंड बी बोथ आर 1 इन दैट केस द फंक्शन एफ इज बिहेविंग लाइक सी कॉम्प्लीमेंट. सो इन द मल्टीप्लेक्सर, this is your multiplexer which is your 4 cross 1 multiplexer. In that case your input will be c c c and c complementation, and here it will be a b and this is your function f. So in this case of c complement I have to use this not gate. Us case mein hame not gate ya fir is inverter ka use karna padega. I have to use this inverter or you can say not gate to find out this c complement. Theek hai, is c complement ke liye hame inverter ya not gate ka use karna padega. But what if something like this happens? अगर इसकी जगह पर इनपुट कुछ ऐसा होता
दैट आई हैव कॉम्प्लीमेंट इन मैनी ऑफ द लोकेशंस. आपका जो कॉम्प्लीमेंट है वो काफ़ी लोकेशंस पर है. इफ़ द फंक्शन समथिंग लाइक दिस, वी हैव 0 0, वी हैव 1 0, वी हैव 1 0, एंड हियर वी हैव लेट अस अज्यूम 0 1. अगर आपके पास ये फंक्शन है, सो इन दैट केस दिस वैल्यू गिव अस 0, दिस विल बी योर सी कॉम्प्लीमेंट, दिस विल बी अगेन योर सी कॉम्प्लीमेंट, एंड दिस विल बी अगेन योर सी. सो हियर वट विल द इनपुट, इनपुट विल बी 0, this will be c, and for both of them I can take c, I can apply not gate, and this will be your c complement. Now that's it, it's very easy. Now you can see the input will be given as c complement here, the input that will be given is c complement. So you can only, you only need one not gate. आपको implement करने के लिए आपको सिर्फ एक not gate की requirement है, या फिर only one inverter to implement this 3 variable function. I mean this is a 8x1 mux using a 4x1. तो आप इस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. इज इट क्लियर सो फार? एनी डाउट प्रियंका? इज एनी डाउट विद यू? इट्स एन इजी क्वेश्चन. द ओनली थिंग इज दैट यू शुड रिमेंबर द बेसिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग सर्किट इम्प्लीमेंट्स अ 2 इनपुट एंड गेट यूजिंग अ 2x1 मल्टीप्लेक्सर. तो आपको यहाँ पर एक एंड गेट को इम्प्लीमेंट करना है. सो 2 इनपुट एंड गेट, ठीक है. So they're asking what should be the values of x1, x2 and x3. आपके पास x1, x2 और x3 की values क्या होंगी? To do that, first of all I should get this equation. मुझे इसके लिए equation बनानी पड़ेगी. So the equation will be x1 dot a plus x1 complement dot b. So यहाँ से जो equation मिलेगी, that is x1 dot a plus x1 complement dot b. And for this output, ये जो output आपके पास है, the equation for this output will be your x3 dot x1a plus x1 complement b plus x3 complement dot x2. So this output function f for this equation is x3 dot x1a plus x1b plus x3 complement dot x2. This is what the output is. अब हमें इसको किसके इक्वल करना है? वी वॉन्ट टू हैव एंड गेट. आपको यहाँ पर सिर्फ एंड गेट की तरह इसे इम्प्लीमेंट करना है. सो वट यू कैन डू इज यू कैन पुट द वैल्यूज ऑफ x1, x2 एंड x3. तो सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए है, इंस्टेड ऑफ x3 यू आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, इंस्टेड ऑफ x1 यू आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ b, इंस्टेड ऑफ x2 यू आर पुटिंग अ वैल्यू एज अगेन 0. सो जस्ट पुट दिस वैल्यूज फॉर ऑप्शन नंबर ए एंड यू कैन सी वेदर इट इज मैचिंग विद द आंसर्स ऑर नॉट. तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा? दिस इज a, this is ba plus x1 complement which is b complement dot b plus x3 which is a, so this is a complement dot 0 which is equal to a ba plus this value is 0 plus this value is again 0 which is ba dot a which is equal to ba. So you can see option number a is matching and you are getting the output as ab or ba which is your AND gate. तो आप यहाँ से भी एंड गेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. क्लियर सो फार? एनी डाउट इन दिस? क्या अब तक किसी को कोई भी डाउट है इसमें? सो इट्स वेरी इजी. ऑल यू हैव टू डू इज गेट द इक्वेशन फॉर दिस आउटपुट एंड देन ट्राई एंड इंसर्ट दिस वैल्यूज. आउटपुट की इक्वेशन लीजिए और इन सभी वैल्यूज को इंसर्ट करने की कोशिश कीजिए, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेरी इजीली. ठीक है. येस नोवला, इन एग्जामिनेशन जस्ट टू ट्रिक यू, वो आपको ट्रिक करने के लिए दे कैन गिव दैट फर्स्ट इज रिप्रेजेंटिंग 1 एंड सेकेंड इज रिप्रेजेंटिंग 0. सो मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल थिंक दैट फर्स्ट विल बी 0 एंड सेकेंड इज 1. जस्ट लाइक इन द प्रीवियस क्वेश्चन आई थॉट दैट फर्स्ट विल बी 0, बट इन एग्जामिनेशन वो जानबूझ के इसको चेंज कर सकते हैं. दे कैन चेंज दिस सो दैट यू मेक मिस्टेक्स इन द एग्जामिनेशन. ठीक है. कंसिडर 2 कैस्केड 2-1 मल्टीप्लेक्सर शोन बिलो. द मिनिमल एस ओ पी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फॉर्म ऑफ द आउटपुट एक्स. आपको एक्स के लिए मिनिमम एस ओ पी बतानी है. सो यू कैन सी हियर दे हैव गिवन 0 and 1. सो दैट मीन्स दिस आउटपुट विल बी पी कॉम्प्लीमेंट डॉट 0 प्लस पी डॉट आर विच इज इक्वल टू पी आर. तो यहाँ से जो आउटपुट मिलेगा आपको मिलेगा वो पी आर. देयरफॉर द इक्वेशन फॉर एक्स विल बी एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट क्यू कॉम्प्लीमेंट डॉट आर कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू डॉट पी आर. राइट. सो दिस इज योर इक्वेशन विच इज क्यू कॉम्प्लीमेंट डॉट आर कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू डॉट पी आर.
ठीक है, इज इट मैचिंग विद एनी ऑफ द ऑप्शंस? यस, इट इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर डी. सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन प्रॉब्लम. ठीक है, सो फॉर नाउ वी हैव सॉल्व ऑल द क्वेश्चन प्री वाई क्यू रिलेटेड टू द मल्टीप्लेक्सर्स इन गेट. अब तक जो भी गेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं मल्टीप्लेक्सर के, तो वो अभी हमने सॉल्व कर लिए हैं. आई डोंट थिंक सो दैट यू गाइज आर हैविंग एनी डाउट विद इट. मुझे नहीं लगता है कि आपको इसमें से कोई भी डाउट होगा, बिकॉज ऑल दीज क्वेश्चन आर वेरी इजी.